الرحمن الرحيم. Starting with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. This is your general knowledge class and day is Thursday. Day is Thursday and date is December 10, 2020. Today your topic is calendar. हमने पिछले वीडियो में भी कैलेंडर का टॉपिक ही किया था, लेकिन कैलेंडर के टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज हम करेंगे कैलेंडर के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो हमारे पास है मंथ्स ऑफ द ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 37. बुक पेज नंबर 37 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं और इसमें कुछ अल्फाबेट्स मिसिंग है. यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स रखे हुए हैं जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किधर लगाना है. हम इस बोर्ड से भी हेल्प ले सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो है जनवरी. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा साउंड मिसिंग आ रहा है. अब जैसे जैन, तो जैन में एन मिसिंग आ रहा है. जनवरी में हमारे पास कौन सा साउंड मिसिंग है वो हम यहाँ से देखेंगे और फिर उसे हम हमें यहाँ पे पेस्ट करूंगी और आप लोगों ने लिखना है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, हमने यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है. यस, दिस इज एन. एन मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी और आप लोगों ने लिखना है. जैन वरी. अब कौन सा साउंड नहीं आ रहा? आर का. अब यहां से हम आर जाएंगे और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी और आप लोगों ने लिखना है. अब हमारे पास मंथ का नेम कंप्लीट हो गया है. अब मेरे साथ रीड करें. JANUARY, जनवरी. जनवरी. अब हमारे साथ है फेब्रुअरी. फेब्रुअरी. फेब में कौन सा साउंड मिसिंग है? बी का. तो अब यहाँ पे हम बी साउंड देखेंगे. कौन सा बी? ये है. अब यहाँ पे मैं पेस्ट बी करूंगी और आप लोगों ने लिखना है. अब फेब्रुअरी. यू हमारे पास मिसिंग है. यहाँ पे यू उठाएंगे और ये है यू. हमारे पास ये वर्ड भी कंप्लीट हो गया है. अब हम आते हैं ईयर के तीसरे मंथ में, जो हमारे साथ है मार्च. ये है हमारे पास मार्च. मार्च में आर के हमारे साथ साउंड आ रहा है और हम यहाँ पे देखेंगे आर. ये है आर. अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी और आप लोगों ने लिखना है. मार्च. लास्ट में क्या आवाज आ रही है? एच की. यहाँ पे हमने क्या लगाना है? एच. एच. अब ये हो गया है कंप्लीट. जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च. अब हम ईयर के फोर्थ मंथ में आते हैं, जो है अप्रैल. जो है अप्रैल. तो एप, एप में पी हमारे पास अल्फाबेट की आवाज आ रही है, जो हमने यहाँ पे पी को पेस्ट करना है और आप लोगों ने बुक में लिखना है. तो यहाँ पे हमारे पास है एप रे. अब हमारे पास कौन सा साउंड है? आई का. यहाँ से फाइंड आउट करें आई. दिस इज आई. ये देखिए यहाँ पर हमने लिखना है. अब ये भी हमारे पास हो गया, वर्ड भी हो गए कंप्लीट. अब हम इसे पढ़ेंगे अप्रैल. अप्रैल. अब हमारे पास फिफ्थ मंथ जो है वो है मई. मई. तो मई में कौन से साउंड की आवाज आ रही है? ए की. कौन से की? ए की. तो यहाँ पे ए लिखेंगे. मई. मई. जो ईयर का हमारा सिक्स मंथ है वो है जून. जून. एन की साउंड आ रहा है. एन. जून. देखिए यहाँ पे हमारे ये मंथ, सिक्स मंथ के हमने अल्फाबेट्स कंप्लीट कर दिए हैं. जैसे कि फर्स्ट है जनवरी, सेकंड फेब्रुअरी, मार्च,
अप्रैल मई जून। अब हमारे पास ईयर का जो सेवंथ मंथ है उसका नाम है जुलाई। जुलाई, तो अब हम यहाँ देखेंगे जुलाई में कौन सा साउंड मिसिंग है, वाई की। वाई के साउंड के अल्फाबेट मिसिंग है तो हम यहाँ पे रखेंगे वाई, तो ये क्या आएगा, जुलाई। अब नेक्स्ट पे आते हैं अगस्त। अगस्त, अगस्त में यू मिसिंग है, यू की आवाज हमें यहाँ पे यू फाइंड करना है, यू अगस्त। अब यहाँ पे कोई और वर्ड भी मिसिंग है तो वो आएगा हमारे पास अगस्त, एस की आवाज हमारे पास, तो यहाँ से एस हम देखेंगे कौन सा, ये है, ये देखिए एस। अब हमारे साथ ये मंथ, इस मंथ का नेम भी अगस्त। अब हमारे पास जो नाइन्थ मंथ है वो है सितंबर। सेम पी की साउंड में पी, ये देखिए पी, सेम टेम्बर सितंबर। अब किसकी साउंड है, एम का, सितंबर सितंबर। नेक्स्ट है अक्टूबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर में कौन सा मिसिंग है, वो है टी, टी, देखिए टी, टी, अक्टूबर। भर बी की आवाज मिसिंग है तो यहाँ पे बी भी लगाएंगे, पेस्ट करेंगे, देखिए अक्टूबर। मंथ है नवंबर, नवंबर, किस बनी का साउंड मिसिंग है, वी का, वी, यहाँ से वी, नवंबर। अब कौन सा मिसिंग है, बी, बी, नवंबर, बर, बी, नवंबर। और जो हमारे ईयर का सबसे लास्ट मंथ होता है वो है दिसंबर, दिसंबर, दी, दी, ई का आवाज आएगी हमारे पास, ई, दी, दिसंबर, बर, बी की, दिसंबर। ये हमारे पास मंथ्स के नेम कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे साथ पढ़े, जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। ईयर में फोर सीजन्स होते हैं, आप यहाँ पे ये पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए पिक्चर्स पेस्ट किए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मंथ में कौन सा सीजन आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है जनवरी फरवरी में सख्त सर्दी होती है, दिसंबर जनवरी एंड फरवरी में सख्त सर्दी होती है, विंटर का सीजन होता है जिसमें हम गर्म कपड़े पहनते हैं, कैप पहनते हैं, खुद को गर्म करते हैं। जो विंटर का मौसम होता है उसमें बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है। दिसंबर जनवरी एंड फरवरी के मंथ में सख्त सर्दी होती है। जो हमारे साथ फ्रूट होता है वो होता है ऑरेंज, सिर्फ विंटर में ही ऑरेंज होता है और सीजन में ऑरेंज फ्रूट नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्च अप्रैल मई में कौन सा सीजन आता है। मार्च अप्रैल मई में स्प्रिंग का सीजन होता है जिसमें फूल खिलते हैं, नए नए दरख्त होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत से फूल खिलने लगते हैं, लेती है। जुलाई अगस्त के मंथ में आते हैं कि इसमें कौन सा सीजन होता है। Yes, जून जुलाई अगस्त में समर होता है, जिसमें हम शॉर्ट लीव्स के ड्रेसेस पहनते हैं जिसे हमें गर्मी महसूस नहीं होती। अब हम आते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिसमें ऑटम का सीजन होता है, जो दरख्तों से लीव्स गिरने लगते हैं। और ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को
और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन से मंथ में कौन सा सीजन आता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने घर में ये होमवर्क कर देना है और ये नेम्स आपने याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।